नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी धन भाव के विषय में। धन भाव का स्वामी किन परिस्थितियों में कमजोर और किन परिस्थितियों में मजबूत हो जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड हाउस धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां पैसे को लेकर उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का माना जाता है। ग्यारहवां भाव इनकम का होता है, लेकिन दूसरा भाव धन के संचय का होता है। आपके जीवन में कितना पैसा इकट्ठा होगा, आप बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी कितना पैसा उसमें से अपने काम में ले पाएंगे, यह निश्चित होता है आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव की परिस्थितियों से। यहाँ बहुत मायने रखती है कि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव पर, धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। यह बात निश्चित करती है कि आप अपने जीवन में पैसा इकट्ठा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और उस पैसे को आप कहाँ खर्च करोगे, और कहाँ खर्च करने से आपको पैसा बचना चाहिए, किन परिस्थितियों में किस प्रकार से आपको पैसा खर्च करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अविलंब विषय में आगे बढ़ते हैं। तो जन्म कुंडली में यह दूसरा भाव धन भाव होता है, सेकंड हाउस, और जो ग्रह यहाँ मृत्यु स्थान में बैठेगा, आठवें भाव में बैठेगा, उसकी सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर सूर्य है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन का संचय करता है, उसको जीवन में बहुत सारा धन मिलता है, लेकिन सूर्य के धन भाव पर प्रभाव के कारण व्यक्ति अपनी शानो शौकत पर, अपने प्रभुत्व के लिए बहुत सारा धन खर्च करता रहता है, यह उस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण होता है। तो यदि आपके अष्टम भाव में सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शानो शौकत पर बेवजह का खर्च करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा की दृष्टि धन भाव पर होगी। चंद्रमा चंचल ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति का धन कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी कम कभी ज़्यादा। चंद्रमा की तरह ही ऐसे व्यक्ति का धन कम और ज़्यादा होता रहता है। अगर यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, धन भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में छप्पर फाड़कर धन मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल की दो दृष्टि और होती है, यदि मंगल आपके व्यापार भाव में बैठे हैं तो भी आपके धन भाव को देखेंगे, और यदि आपके आय भाव इनकम में बैठे हैं तो भी आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो मंगल की दृष्टि धन भाव पर होने से व्यक्ति को जीवन में छप्पर फाड़ करके पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति झगड़ों में, बेवजह के टेंशन तनाव में, मुकदमेबाजी में अपना पैसा खर्च करता रहता है, उड़ाता रहता है। तो यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है तो आपको झगड़ों में और मुकदमेबाजी में पैसा खर्च करने से बचना चाहिए। यदि यहाँ पर बुध है, आपकी जन्म कुंडली के आठवें घर में बुध विराजमान है, तो बुध की दृष्टि धन भाव पर होने से व्यक्ति, चूँकि बुध व्यापारी है, बुध बनिया है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन संचय करता है और धन खर्च बहुत देरी से करता है, बहुत ज़रूरत में और आवश्यकता होने पर सही जगह धन खर्च करता है, बुध की दृष्टि में कोई दोष नहीं होता। अगर आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है तो बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति का जो नेचर है, व्यक्ति का जो स्वभाव है, वह धन को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के मन में धन की बहुत ज़्यादा लालसा भी नहीं होती। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे, छठे भाव में बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे नौवीं दृष्टि से, और बृहस्पति आपके कर्म स्थान में बैठकर भी आपके धन भाव को देखेंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में, अष्टम भाव में और कर्म स्थान दसवें भाव में कहीं भी बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती,
बहुत ज़्यादा प्रयास भी ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए अपने जीवन में नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में, अध्यापन में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में अपने धर्म को खर्च करता रहता है, और घर वाले उसकी इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव धार्मिक है। दोस्तों, शुक्र अगर आपके अष्टम भाव में विराजमान है, शुक्र के यहाँ पर विराजमान होने से व्यक्ति अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा बहुत सारा पैसा अपने जीवन में इकट्ठा करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र पाप प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा धन खर्च करता है, और लगन भाव के कमज़ोर होने पर, लगन में पाप ग्रहों का योग होने पर, लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर, यहाँ पर शुक्र बैठा है और लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अय्याशी की तरफ भी आगे बढ़ जाता है और दूसरों की स्त्रियों पर धन खर्च करता है। दोस्तों, अगर आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, शनि की दृष्टि को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। शनि जन्म कुंडली में तीन जगह से आपके धन भाव को देखते हैं, और यहाँ किसी राशि की बात नहीं हो रही, केवल भाव की और दृष्टि की बात हो रही है। शनि 12वें स्थान में बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे, शनि 5म भाव बुद्धि स्थान में बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव में बैठकर तो सभी ग्रह धन भाव को देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि 5म में है, अष्टम में है या व्यय स्थान में है, तो तीनों जगहों से शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आकस्मिक धन हानि के योग यहाँ पर बनते हैं। व्यक्ति 2-3-4 साल में जितना भी पैसा इकट्ठा करता है, अचानक से कोई ना कोई दुर्घटना उसके जीवन में ऐसी हो जाती है कि सारा पैसा उसके हाथ से निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया दृष्टि नहीं है। अगर यहाँ पर राहु विराजमान है तो राहु की दृष्टि धन भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति छल कपट के द्वारा सट्टा जुआ, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, मतलब ऐसे व्यक्ति के सपने रातों रात करोड़पति बनने के होते हैं, लेकिन राहु की यहाँ पर दृष्टि होने से व्यक्ति अपने जीवन में सूझबूझ की कमी के कारण और गलत निर्णय लेने के कारण अपना सारा पैसा खराब करता रहता है। दोस्तों, केतु अगर आपके अष्टम भाव में विराजमान है तो यहाँ पर केतु की दृष्टि होने से केतु एक तो आपके कुटुंब से, आपके परिवार से आपके संबंधों को खराब करते हैं, साथ ही साथ में आकस्मिक धन हानि के योग भी केतु बनाते हैं, और वाणी में, जिसके अष्टम भाव में केतु है उसकी वाणी में कोई ना कोई दोष लगा रहता है। तो शनि राहु केतु का यहाँ पर होना बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। अष्टम में व्यक्ति को पैसे की कमी लगी रहती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बाकी जो दृष्टियाँ हैं सूर्य से लेकर शुक्र तक, इनमें सावधानियों की आवश्यकता है। अगर सूर्य की दृष्टि है तो खूब धन व्यक्ति कमाएगा, चंद्रमा की दृष्टि है धन तो कमाएगा लेकिन धन चंचल रहेगा, मंगल की दृष्टि से झगड़े में खर्च करेगा, बुध की दृष्टि से बहुत पैसा व्यक्ति इकट्ठा करता है, गुरु की दृष्टि से व्यक्ति धार्मिक शिक्षा, और शुक्र की दृष्टि होने पर व्यक्ति बुद्धिमत्ता से पैसा कमाता है, लेकिन शुक्र के और लगन के पाप प्रभाव में होने पर अय्याशी में सारा पैसा उड़ा देता है। तो आप, कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी, तब तक के लिए नमस्कार।